एकदम खूबसूरत एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब से इसमें सजावट करना बाकी है। ये देखिए बनाने का हाँ कटरी तैयार हो गया दोस्तों। ये देख सकते हैं एकदम मस्त एकदम पूरा सजा दिया है एकदम। अब होलिका दहन रात को होगा 11 रात को, इसलिए एकदम पूरा फुल तैयारी। दोस्तों मैं गिरधारी गिरधारी के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सत्तों सुबह का 9 बज रहे हैं और आप सबको प्यार वाला गुड मॉर्निंग। और किसको अभी आ गए हम लोग इधर बांस काटने के लिए, क्योंकि आज होलिका दहन है इसलिए हम लोग आज काटेंगे बांस काटेंगे और बनाएंगे बढ़िया से और फिर शाम को होलिका दहन करेंगे। और किस आ गए विष्णु साथ आ गए हैं। ये देखिए सभी लोग आ गए, अभी टांगे देखिए लेके आ गए हम लोग। अब ये सब बांस काटते हैं को अभी, चलिए बांस काटते हैं और फिर ले जाते हैं घर और हम बनाएंगे बढ़िया से और फिर शाम को होलिका दहन करेंगे। कौन सा काटेगा विष्णु, कौन सा बढ़िया है? ये वाला ना, यही काट लो। लंबा है देखो ना, अगर लंबा हो तो एक ही काटना पड़ेगा ना, फिर दो काटना पड़ेगा। नहीं वहाँ बढ़िया नहीं है। अरे ये काटो थोड़ा सा, ये मोटा है, ये काटो ना, ज्यादा मोटा है, ज्यादा मोटा नहीं होगा। ठीक है बढ़िया है, और लंबा भी है, बहुत लंबा है। ये देखिए पूरा यहाँ से होता लंबा पूरा, हाँ एक ही पास से हो जाएगा। कौन ला, हाँ हाँ ये वाला काटो, काट पाएगा ना? थोड़ा नीचे काट, नीचे चलिए पहले बांस को पहले काटते हम लोग। काट गया मुकेश, ये देखिए पूरा दम हिला रहा है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ काट जाएगा कुछ देर में। काट गया, काट गया ना, चलो अब खींचो वहां से बढ़िया से खींचना। ठीक है देखा दूसरा बांस नुकसान ना हो जाए, वहाँ छाट गया लगे छोट। ये देखिए पूरा बांस झुक गया दम, चलिए अब खींचो वहां निकालो। पीछे नहीं टना गया, पूरा लगा हुआ चार तरफ सर। चलिए अब सुन निकालते यहाँ से पहले का पटरी बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये दिखाते हैं मस्त पटरी बना दिए हम लोग, पटरी कटरी जो भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बोलते हैं पटरी बोलते हैं, कोई कटरी भी बोलता है। ये देख सकते हैं ये रहा देखिए एकदम खूबसूरत एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब से इसमें सजावट करना बाकी है। ये देखिए, ये देखिए बनाने का हाथ विष्णु का हाथ था, क्योंकि यही बनाया है एकदम। आप नहीं बनाए हाथ, तुम लोग सब मिलजुल के बनाए हैं। और देखिए सभी लोग बच्चे लोग आदमी लाकर बनवाए थे। अब चलिए इसमें सजावट पर करते हैं एकदम खूब बढ़िया एकदम मस्त बन गया है। अब शाम को सुबह टटरी बन के हम लोग का तैयार हो गया है। और इसके सभी बच्चे लोग भी फूल झंडे साट रहे हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। और देखिए मुन्ना भी आ गया है बनाने के लिए। और देखिए इधर पूरा एकदम तैयार हो चुका है, ये देखते हैं। और देखिए अभी लाइट सटा जा रहा है, उसमें फूल झंडी भी पट जाएगा और थोड़ा सा मस्त दिखेगा। और सभी बच्चे लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं आज, सभी लोग खुश है एकदम। और ये देखिए मस्त हम देखने लगा एकदम, अब कुछ देर में और थोड़ा सा मस्त दिखेगा। मुकेश एकदम पूरा मेहनत कर रहा है अभी, चले जल सको। ये देखिए चलिए इसमें जब पूरा तार लग जाएगा वो थोड़ा सा और मस्त दिखेगा एकदम चारों तरफ। छगरी आया देखने के लिए, शौक मना रहा है, शौक मना रहा है अभी। टटरी तैयार हो गए दोस्तों, ये देख सकते हैं एकदम मस्त एकदम पूरा सजा दिया है एकदम। अब होलिका दहन रात को होगा 11 रात को, इसलिए एकदम पूरा फुल तैयारी के साथ हम लोग आज निकलेंगे होलिका दहन करने के लिए। ये देख सकते हैं एकदम मस्त, और देखिए नीचे बुरी सुटा दिए हैं। ये देखिए एकदम न्यू लुक एकदम दिख रहा है एकदम। इसमें देखिए मुकेश का सहयोग ज़्यादा रहा है, इसमें बेचारा दिन बड़ा खट रहा है आज। ये देखिए क्या है एकदम मस्त दिख रहा है एकदम, जिस तरह एकदम लाश जलाते हैं एकदम उसी तरह से बना दिए हैं, ताकि किसी तरह कमी नहीं होने दी है ना मुकेश। और देखिए इनको भूख लग गया अभी, खा रहा है बिस्किट। चलिए अब इसको साइड में करके रखते हैं और फिर रात को ले जाके जलाने के लिए। चलो मुकेश पकड़ो थोड़ा सा, चालू करो तो क्या सब पकड़ो ना, तो साइड में रखते उधर इसे सीधा कर दो, सिर्फ सीधा करो, उसको सीधा कर देना। ठीक बस बस बस,
एकदम फुल रेडी हो गया है। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? पकौड़ी। चलिए चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि फिर बुढ़िया को जलाना पड़ेगा रात को 11 बजे। फिर आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग दिखाएंगे किस तरह हम लोग होलिका दहन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए विष्णु भी आ गया अभी देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।